दिव्यांग परीक्षाएं दिलाई गई थी, जितनी सीटें थे उससे ज्यादा एक ही सेंटर से चयनित कर लिया। आपको देखकर लगता है कि मैं धांधली कर सकता हूँ? मैम आप पैर देखिए मेरा, पहले तो आप देखिए मैम आप पैर, अगर मैं करता हूँ तो मैम आप बताइए, बिल्कुल बताइए मैम आप एक तरफ, और ये भाई को देखिए मैम, मैम हम एंगल से लग रही हैं आप, मैम आप ये देख लीजिए मैं पैंट उतार, आप बताइए कि हम किस परिस्थिति में कैसे मेहनत करेंगे, क्या किन कष्टों से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आरोप लगा रही हैं ये लोग, इन आरोपों से पहले हम लोगों की पीड़ा को तो समझना चाहिए कि किस तरीका से हमने घर से बाहर रह के, हमें कोचिंग जाना भी होता है तो सीढ़ियाँ चढ़ के, तीन तीन मंजिल पर कोचिंग होती है तो वहाँ पर भी नहीं जा पाते, अपने घर रूम पे ही रह के किस तरीका से पढ़ते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं। लोगों ने तो कह दिया कि ये हुआ, पर हम लोगों के बारे में सोचिए कि हमारी क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन है। जब रिजल्ट आया तो घर में खुशी आ गई। इनकी मांगे अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या, परीक्षा में घोटाले निकल कर आए हैं जिसको लेकर पटवारियों की नियुक्तियां रोक दी गई हैं। सरकार ने माना है कि कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी जांच करवाई जाएगी और उसके बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन तब तक बाकी ग्वालियर से हट के जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने बाकी सेंटर्स में ये परीक्षा दी थी, उनका यही सवाल है कि हमारी क्या गलती। मध्य प्रदेश में चयनित पटवारी जो है वो आज शांति सभा कर रहे हैं। तमाम प्रदेश भर से जो चयनित पटवारी हैं वो राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में पहुंचे हैं और आज यहां पर शांति सभा का आयोजन किया गया है। इनकी यही परीक्षाएं दिलाई थी, इनकी नियुक्तियां, इनके नंबर आए हैं, ये पास हुए हैं, ये चयनित हैं, तो जाहिर है कि इन्हें नियुक्ति दी जाए, इनकी भर्ती प्रक्रिया की जाए। और क्या कुछ मांगे हैं ये भी जानेंगे। हमारी नियुक्ति की जाए। आज जब ये पटवारी का रिजल्ट आया तो मेरे पिताजी के मन में जो भावना थी, जो उन्होंने ज़मीन बेचकर मुझे पढ़ाई की थी, उनके आंखों के आंसू देखकर मेरा दिल भरा है। मैं आज बहुत ही वेदना से पीड़ित हूँ। उन्होंने अपनी खेती की ज़मीन को बेचकर मुझे पढ़ाया, आज मुझे रिजल्ट देखने को मिला, पर आज उसमें कुछ संशय की वजह से, उस संदेह की वजह से मेरा रिजल्ट रुक चुका है। तो मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द 15 अगस्त से पहले मेरी नियुक्ति करो। में हमारी जो मांगे हैं कि हमारी DV प्रोसेस जल्दी से हो, 15 अगस्त तक नियुक्ति प्रक्रिया एकदम खत्म हो जानी चाहिए, हमको मिल जानी चाहिए नियुक्ति पत्र अपने हाथ में, और बाकी समानांतर आपको जो जिन सेंटरों पे संदेह व्यक्त किया गया है उनका पुनर्निरीक्षण आपको जब करवाना करवाई, वो पैरेलल चलता रहे, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल चलता रहे। अभी ये कह रही कि इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ करने से बेहतर है कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए, यही मांगे हैं आप लोगों की। यस, मैं शिवानी यादव MP पटवारी 2022 की चयनित छात्रा हूँ और मैं MP गवर्नमेंट्स जो CM साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो 15 अगस्त तक पूरी की। हमारे पास क्या ऑप्शन है? जब रिजल्ट आया तो घर में खुशी आती, तीन दिन बाद घर में सब लोग के एक तरीका से मातम सा छा गया है, तो उन लोगों को बोल रहे हैं तो माँ बाप अपनी पीड़ा हम लोग बता नहीं सकते, माँ बाप भी कहते हैं यही मांगे कि जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। हाँ, हमारी यही मांग है। ये तमाम जो चयनित पटवारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका केवल यही कहना है कि जल्द से जल्द नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन कैलाश के साथ प्रिया पांडे।